ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा है आई थिंक। हेलो गाइस, सुस्वागत है ऑन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग भाई? मैं अभी एक ट्रैक पे चल रहा हूँ, आप लोग भी इस ट्रैक का एंजॉय करें। बस थोड़ा सा इस पहाड़ पे चढ़ के है, नीचे से मैं आया हूँ तो इस ट्रैक पे मज़ा लेने वाले हैं। सरप्राइज है कुछ शायद, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज ऊपर थोड़ा सा पार्टी अरेंज किया हूँ तो अकेले में मज़ा नहीं आ रहा था तो सोचे करो थोड़ा सा फन होना चाहिए तो बस एक ट्रैक पे चल दिया। ऊपर चल के थोड़ा सा फन करते हैं, मज़ा लेते हैं, इवनिंग का टाइम है। सॉरी, तो भाई ट्रैक पे जब भी चले तो सेफ्टी रखें और ध्यान से चलें, इस तरह से ब्लॉग नहीं बनाते हुए चले, नहीं तो ब्लॉग बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो सकता है। इधर से रास्ता, ओह माय गॉड, बस कुछ मिल ना जाए। ओहो, कितना खूबसूरत जंगल है ये। तो गाइज आ गए हम लोग उस जगह पे जहाँ पे अभी हम लोग बारबेक्यू करने वाले हैं और पूजा मजा लेने वाला है बारबेक्यू का पूरा। ओए होए, और आप देख रहे हो जैसे डिस्कवरी में करते हैं लोग, जंगल में जाते हैं, जंगल में जा करके आग लगाते हैं, तो हमने ये बारबेक्यू वाला सेटअप लेके आया है, कोल लाया हूँ और आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कोल में पकड़ ले एक बार, फिर हम लोग इस पर चिकन को भुनने वाले हैं। बहुत अच्छा जगह है ना, तो मेरा आग लग नहीं रहा है उसमें अच्छे से, तो मैं कुछ सूखे लकड़ी ढूंढने आया हूँ जो शायद हेल्प करे उसमें। तो गाइस ये मैंने सीख में लगा लिया हूँ, आग भी ऑलमोस्ट उतना अच्छा से कोल बन नहीं पा रहा है, बट ठीक है। तो बस ट्राई कर रहे हैं कि ये अच्छे से पक जाए। मुझे हेल्प कराने के लिए आए हुए हैं गणेश जी, हाय। तो ये मुझे हेल्प करा रहे हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा चिकन जल गया, एक्चुअली कोल थोड़ा कम हो गया जिस वजह से ये इशू आ रही है, और ये ठंड के मौसम में थोड़ा सा कोल जल भी नहीं रहा है प्रॉपर जैसा होना चाहिए, बनने पा रहा है, बट ठीक है। थोड़ा सा बटर डालिए इस पे, है ना, ये वाला पिक्चर लीजिए, इसे बटर डालना पड़ेगा। बटर डाल देंगे क्या, ऐसे ऐसे लगाते रहेंगे। तो बटर लगा के हम लोग ट्राई कर रहे हैं बस अच्छे से पक जाए, बट काफ़ी टाइम लग रहा है ना। कोई नहीं, कुछ टाइम तो लगता ही है इसमें, कुछ अच्छा खाना हो तो टाइम देना पड़ता है। तो ये दो तो बन गया है, एक्चुअली सब बन गया है, चारों सीख बन गए हैं, बस दो को निकाला हूँ प्लेट में, बाकी ये गर्म होने के लिए है। तो अब टाइम है खाने का, तो आप लोग भी आए मजा करें इस तरह के वादियों में। फिलहाल तो मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, तो चाट मसाला वगैरह डाल के। ओहो, तो गाइज ये बन गया है, थोड़ा सा जल गया लेकिन ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा है आई थिंक। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, मज़ा आ गया।
कोहरे लगे हैं तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लेक दिख रहा है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और मजे लें वीडियो का। सनसेट हो रहा है सामने में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू। तो गाइस टाटा बाय बाय, हम लोग की पार्टी हो गई एंड सनसेट भी हो ही गया, अब चलते हैं घर की ओर।